नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेज एंड मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, यह जो वीडियो बनाई गई है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा साथियों, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, यह जो वीडियो बनाई गई है, यह वीडियो CBT सत्र 2023 के फीटर प्रथम वर्ष ट्रेनिजों की थ्योरी के पेपर पर बनाई गई है। जी हाँ साथियों, जो CBT परीक्षा सत्र 2023 में फीटर प्रथम वर्ष के ट्रेनिजों का जो थ्योरी का पेपर आएगा, उस पर यह वीडियो बनाई गई है। अगर दोस्तों, यह हमारी पहली सीरीज जा रही है, जो 50 क्वेश्चन की हमारी पहली सीरीज है। इस तरह की हमारी कई सीरीज जाएगी। अगर दोस्तों यह सीरीज हमारी अच्छी लगे तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि यह हमारी पहली सीरीज आपको कैसी लगी। दोस्तों, हमारे चैनल को आप देखिए और मैं दावा और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी CBT परीक्षा सत्र 2023 में भी अगर इस बनाए गए वीडियो से आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो दोस्तों आप मेरा चैनल देखना छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहले नंबर का वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इस अनिवार्य प्रतीक का क्या नाम है। तो दोस्तों, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम है ऑप्शन नंबर ए, आपका सही हो जाएगा, स्टाप। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्लास बी, आग। क्वेश्चन नंबर चौथा है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, इस चेतावनी का प्रतीक का नाम बताइए, इस चेतावनी यानी यह चेतावनी का प्रतीक क्या है। तो पांचवें नंबर का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, अनगार्डेड। क्वेश्चन नंबर छठवां आपका है, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो इसमें भी आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्लास ए, आग। अगला क्वेश्चन आपका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरी मीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही हो जाएगा, हेलान एक्सटिंग्विशर। अगला क्वेश्चन आपका है 8वें नंबर का, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अनगार्डेड मशीनरी। अगला क्वेश्चन आपका है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, घाव पर दबाव दे। अगला क्वेश्चन आपका है, इस चिन्ह का नाम क्या है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, पैदल चलने का मार्ग। अगला क्वेश्चन आपका है, आग लगने के 3 कारक बताइए, यानी आग लगने का 3 कारण कौन कौन सा होता है। तो आग लगने का 3 कारण होता है, ताप, ईंधन और ऑक्सीजन। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। अगला क्वेश्चन आपका है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। इसमें भी देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, सुरक्षा सावधानी का पालन करके।
अगला क्वेश्चन है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है, तो इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, रास्ता दे। अगला क्वेश्चन आपका है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे विंस का कलर कोड क्या होता है? इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नीला। अगला क्वेश्चन आपका है, यह रोड साइन किस तरह का है? अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एक फिगर दिया हुआ है जिसमें पूछ रहा है यह रोड साइन के बारे में पूछ रहा है, 16वां क्वेश्चन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी आपका है वो सही हो जाएगा, ये सूचना का चिन्ह है। 17वां क्वेश्चन है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, फोम एक्सटिंग्विशर। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर का है, प्राथमिक चिकित्सा के ए बी सी में ए क्या दर्शाता है? तो आपका जो है ए जो है आपका एयरवे दर्शाता है, ए क्या दर्शाता है, एयरवे। 19वां क्वेश्चन आपका है, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसमें भी आपका चार ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जिसका उत्तर है कंपोस्टिंग। अगला आपका है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए किस कलर कोड का प्रयोग किया जाता है? इसमें भी आपका चार ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पीला। अगला है आपका, एक फाइल का चित्र दिया हुआ है जिसमें पूछ रहा है कि इस फाइल को देख करके बताइए कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, हिल। अगला क्वेश्चन आपका है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, समकोण की जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगला है आपका, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? इसमें भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सही ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, स्नग। अगला आपका है क्वेश्चन 25 नंबर का, एक वॉइस दिया गया है, इस वॉइस का नाम पूछ रहा है, इस वॉइस का क्या नाम है? तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये आपका हैंड वॉइस है। अगला 26वें नंबर का क्वेश्चन है, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला क्यों हो जाता है? यानी कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला क्यों हो जाता है, जिसकी वजह क्या होती है? तो इसमें भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ब्लेड खिंच जाना। अगला क्वेश्चन आपका है, पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, 18 कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कॉर्नर और जॉइंट के मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस चीजल यानी छेनी का उपयोग किया जाता है? इसमें भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी। अगला क्वेश्चन है, एक हैमर का चित्र दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसमें भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये चिक है। अगला क्वेश्चन आपका 30वें नंबर का है, काटने वाले छेनी पर जो प्रतीक वी द्वारा दर्शाया गया है वो क्या दर्शाया गया है? यानी कह रहा है काटने वाले छेनी पर प्रतीक जो गामा या भी दर्शाया गया है वो किस कोर को दर्शाता है या दर्शाया जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो कि रैक कोर है।
रेपकोड। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर का, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। धातु का उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। इसमें भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, डक्टिबिलिटी का गुण है। अगला जो है 32 नंबर का है, थिंबल के एक डिवीजन की स्पेंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पेंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर का है। इसमें भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर की रीडिंग दिया हुआ है, इस चित्र को देख करके आप बताइए इस वर्नियर के लिए कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। तो इसमें भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही हो जाएगा, 35.4 मिलीमीटर, जी 35.5 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर का चित्र दिया गया है, इस वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर की रीडिंग क्या होगी। इसमें भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, 41.50 मिनट। अगला क्वेश्चन आपका है, फिलर गेज का उपयोग क्या होता है। जी हां साथियों, एक गेज है जिसके बारे में पूछा है, फिलर गेज का क्या उपयोग है। तो ये फिलर गेज का उपयोग ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मिलने वाले भागों के बीच की गैपिंग की जांच करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कैलिपर में माप पढ़े तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, 26.2 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। जी हां साथियों, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। इसमें भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही हो जाएगा, डायल। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, एक फाइल का चित्र बनाया है जिसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें एक्स भाग का नाम बताइए, यानी फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये आपका चार ऑप्शन है, जिसमें से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये फेरुल है। अगला किया जाता है, जी हाँ दोस्तों, जाब को फिनिशिंग साइज में लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सेकेंड कट फाइल। अगला क्वेश्चन है, किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो इसमें भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, हैंड फाइल। अगला क्वेश्चन आपका है, बेंच वाइस को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, बेंच वाइस की जो बॉडी होती है वो प्राय कास्ट आयरन की बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडिया स्पष्ट सतह पर रेखा प्रदान करती है, रेखाएं प्रदान करती है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रिसियन ब्लू। अगला क्वेश्चन है आपका, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का क्या उद्देश्य है। जो एंगल प्लेट होता है उसमें जो स्लॉट बनाए गए हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, जाब को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, राउंड बार यानी कह रहा है कि किस कैलिपर के द्वारा किसी भी गोल राड का केंद्र बिंदु ज्ञात किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेमी कैलिपर के द्वारा। अगला है, एक डिवाइडर का चित्र बनाया है जिसमें पूछ रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही हो जाएगा, ये आपका जो है। फलक्रम का मतलब रिबिट होता है, फलक्रम रिबिट का हिंदी नाम होता है। अगला है, एक यूनिवर्सल बेबल प्रोट्रैक्टर एक यूनिवर्सल गेज का चित्र बनाया है, तो पूछ रहा है इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए।
तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, यूनिवर्सल बेबल गेज, ये यूनिवर्सल बेबल गेज है। अगला है 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिसमें चार ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में जो फाइल का प्रयोग किया जाता है उस फाइल का नाम है नाइफ एज फाइल। अगला क्वेश्चन है, इस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फाइल की पिनिंग, यानी फाइला पिनिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयल ग्रू को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, आयल ग्रू को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, हाफ राउंड नोज छेनी। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस तरह की सीरीज हमारी, आपको ये पहली सीरीज है, इस तरह की सीरीज आप लोगों के बीच में जाएगी, जो सीबीटी परीक्षा के लिए आपको बहुत बड़ा रामबाण कारीगर सिद्ध होगा। दोस्तों पुनः एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी पहली वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपको बीच में दूसरी सीरीज अपनी भेज सकें जो आपकी सीबीटी सत्र 2023 की परीक्षा में रामबाण कारीगर सिद्ध हो। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद।